नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो तकरीबन 3 हफ्ते पहले हमने आपके साथ एक वीडियो साझा किया था, ये वाला, जिसमें हमने आपको बताया था कि खालिस्तान के कैलगरी में, सॉरी कनाडा के कैलगरी में एक खालिस्तान रेफरेंडम होने वाला है। अब उसके लिए जो तैयारियां थी वो तकरीबन 3 हफ्ते पहले से शुरू हो गई थी, उसके प्रमोशन भी किए जा रहे थे, कई सारे वीडियोज निकल कर भी आ रहे थे जिसमें वे लोग ये भी रिक्वेस्ट कर रहे थे जितने भी खालिस्तानी समर्थक हैं पूरी दुनिया में उन सभी से कि वे लोग कनाडा में कैलगरी पहुंचे और वहां जाकर इस पर्टिकुलर रेफरेंडम में पार्टिसिपेट करें। तो उसी के चलते कल बहुत ही बड़ी मात्रा में वहां पर कैलगरी में कई सारे खालिस्तानी झंडे दिखाई दिए और उसके साथ ही कई सारे लोग भी दिखाई दिए। जो फिगर बताया जा रहा है वो तकरीबन 55,000 का है कि 55,000 लोग वहां पर वोटिंग करने के लिए आए थे। लेकिन इन सब चीजों का क्या मतलब है, जियोपॉलिटिक्स में क्या ये इम्पोर्टेंट है, और ये चीज कैनेडा में और उसमें भी खास करके कैलगरी में क्यों की जा रही है, तो उसी के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कनाडा में ये जो कैलगरी नामक एक सिटी है वहां पर, वहां की जो मेयर है उसका नाम है प्रभजोत कौर गोंदिक। वो एक खुद पंजाबी है और वो भी खालिस्तानी समर्थक है। उसको पॉपुलरली ज्योति गोंदिक करके भी बुलाया जाता है। तो वो खुद एक खालिस्तानी समर्थक है या फिर खुद एक खालिस्तानी है संभवतः, और वो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। अब ये वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ये WSO एक ऐसी संस्था है जो खालिस्तानियों के द्वारा बनाई गई है। इसमें जितने भी मेंबर्स हैं या फिर इसके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, या तो वो खालिस्तानी समर्थक है या फिर वे लोग खुद खालिस्तानी है। तो उसी के चलते ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, भले ही उसको WSO कहा जाता हो, लेकिन उसका जो एक्चुअल नेम है वो WKO यानी कि वर्ल्ड खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था। तो अगर जब भी आप WSO सुने या उसको देखें तो कभी भी इस बात को लेकर कोई भी डाउट ना रखें कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो लोग सभी या तो खालिस्तानी समर्थक हैं या फिर खुद खालिस्तानी। इन लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो खुद भिंडी वाले से ली गई है। तो वे ही लोग इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं और उसी के अंतर्गत सभी ये खालिस्तानी एक्टिविटीज करते हैं। WSO का एक और जो कनेक्शन है वो है SFJ यानी कि सिख फॉर जस्टिस, जिसको US में बैठे बैठे गुरु पतवंत सिंह पन्नू लीड कर रहा है। वही गुरु पतवंत सिंह पन्नू जिसके बारे में हमने आपको आगे कई सारे वीडियोस में बताया था, और साथ ही में ये जो पर्टिकुलर कैलगरी में रेफरेंडम हो रहा है, खालिस्तान रेफरेंडम, जिसमें वे लोग भारत से एक अलग देश की मांग कर रहे हैं फॉर खालिस्तानी, उसको ऑर्गेनाइज करने में भी जो की रोल प्ले कर रहा है, जो मेन ऑर्गेनाइजर है, वो WSO के साथ SFJ है यानी कि वही गुरु पतवंत सिंह पन्नू वाला सिख फॉर जस्टिस। सिख फॉर जस्टिस भारत में बैन है और गुरु पतवंत सिंह पन्नू को भी भारत से आतंकवादी करार दे दिया गया है। तो इन्हीं आतंकवादियों को कैनेडा अपने वहां पर पनाह दे रहा है। अब ये अपने वहां पर पनाह क्यों दे रहा है, तो उसका बहुत ही क्लियर विजन है कि जस्टिन ट्रूडो का जो बाप पीएर ट्रूडो, उसी के समय से इन खालिस्तानियों को उन्होंने अपनी वोट बैंक बनाकर रखा है। साथ ही में दूसरे जो भी करंट लीडर्स हैं कैनेडा, चाहे वो पीएर पॉलिबियर हो, ज्योति गोंदिक हो या फिर जस्टिंदर सिंह ट्रूडो खुद, वो सभी खालिस्तानी समर्थक हैं। उनको बार बार खालिस्तान रैलीज को एड्रेस करते हुए देखा गया है, वहां पर उनके साथ खड़े रहते हुए और उनका समर्थन करते हुए, उनको सपोर्ट देते हुए देखा गया है। तो उसी के चलते ये जो पूरा वहां पर कनाडा से खालिस्तान बन रहा है, या फिर ऐसा कहें कि कनाडा में ही कई सारे खालिस्तान बन चुके हैं छोटे 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 करके, उसकी जो वजह है, उसका जो रीजन है, उसको परमिट करने वाले जो लोग हैं वो खुद कनाडा के लीडिंग पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर वहां लोकल गवर्नमेंट। तो उसी के चलते ये जो पर्टिकुलर रेफरेंडम करवाया गया था वो भी वहां के कैलगरी के सिटी म्यूनिसिपल हॉल में ऑर्गेनाइज करवाया गया। तो इसी के चलते हम लोग ये बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कनाडा जिस तरह से पाकिस्तान एंटी भारत एजेंडा लेकर चलने वाले जो भी इस्लामिस्ट हैं उन लोगों को अपने वहां पर पनाह देता है, उसी तरह से कनाडा जो भारत के गद्दार हैं, जो अब सिख नहीं रहे हैं, वैसे खालिस्तानियों को अपने वहां पर वोट बैंक की राजनीति के चलते पनाह दे रहा है। वहां के जो लोग हैं वो भी इससे काफी परेशान है। अगर आप उन लोगों की कमेंट्स में जाएंगे तो आप लोग इस बात को लेकर बहुत ही स्पष्ट हो जाएंगे दैट कनेडियंस, एक्चुअल कनेडियंस आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट इज गोइंग ऑन इन कैनेडा बिकॉज ऑफ दिस खालिस्तानीज। ये बात अगर हमारी कोई भी रॉन्ग प्रूव कर सकता है तो हमें नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं।
ज्यादातर कैनेडियंस जो हैं वो इस बात को लेकर काफी ही नाखुश हैं। उसी के चलते हाल में जो जस्टिंदर सिंह ट्रूडो की सरकार है उन लोगों की पॉपुलैरिटी भी कम होती जा रही है, लेकिन साथ ही में ये जो खालिस्तान वाला मामला है उसको और भी तूल दी जा रही है। हाल में जो ये रेफरेंडम करवाया गया है उसमें सिर्फ 55,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर ये 55,000 को रेफरेंस के साथ देखें तो खुद कैनेडा में ही जो सिख्स की संख्या है, जो सिख कम्युनिटी की संख्या है, वो तकरीबन 7,70,000 से भी ज्यादा है। जी हाँ, कैनेडा में 7,70,000 से भी ज्यादा सिख रहते हैं, जिसमें से सिर्फ 55,000 लोग ही वहां पर वोटिंग करने के लिए गए थे। अब जैसे कि आप वीडियोस में देख सकते हैं कि इनमें भी कई सारे छोटी छोटी उम्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो संभव है कि इनमें से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी अभी रिसेंटली स्टूडेंट वीजा लेकर वहां पर कैनेडा पढ़ाई करने गए हैं, तो उनके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, भारत की गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। ये जो पर्टिकुलर एक्शन है उसकी मांग सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि कैनेडा के लोग, जो ओरिजिनल कैनेडा के लोग हैं, वो भी करेंगे, उसका समर्थन भी करेंगे। और साथ ही में पूरी दुनिया में जहां जहां भी सिख कम्युनिटी को ये खालिस्तानी कंजर बदनाम करते हैं, उन सभी जगहों से जो भी सिख्स हैं, जो भी भारतीय हैं, वो सभी इसको समर्थन देंगे। एक्शन लेना बहुत ही ईजी है क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन ऑलरेडी लेना शुरू हो गया है। कई सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि यहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं भारत की, वे लोग ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके पासपोर्ट्स कैंसिल करते हैं, उनको वापस बुलाया जाता है। साथ ही में अगर ऐसा लगे कि वे लोग बहुत ही एडवांस लेवल पर पहुंच गए हैं इस पूरे एंटी इंडिया एक्टिविज्म के मामले में, तो उन लोगों की प्रॉपर्टीज भी कॉन्फिस्केट की जाती है। ऐसे मामले सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि पंजाब में भी देखे गए हैं। ये जो खास करके खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स हैं उन लोगों के अगेंस्ट में लिए गए हैं। तो ऐसे कई सारे स्टेप्स भारत की सरकार ले सकती है, वो लोग लेते भी हैं। तो हम ये आशा रखते हैं कि इनमें से जितने भी बच्चे हैं जो रिसेंटली स्टूडेंट वीजा के ऊपर गए हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको वापस भारत बुलाया जाए, उनके पासपोर्ट कैंसिल किए जाए और जो भी कार्यवाही बनती है उन पूरे परिवारों के ऊपर, उन सभी के ऊपर वो कार्यवाही की जाए। साथ ही में बात करें अगर इस रेफरेंडम के जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की, तो हाल में ये जो रेफरेंडम्स हो रहे हैं उसका कोई भी जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस नहीं है। कुछ नैरेटिव्स यहां वहां से जरूर निकलेंगे लेकिन एक्चुअल जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इसके अभी कोई भी नहीं है। लेकिन आने वाली 2 से 3 जनरेशन के अंदर इनकी संख्या बढ़ेगी क्योंकि वो जो नया यूथ आएगा उनको भी ये लोग इजीली रेडिकलाइज कर सकते हैं। तो उसी के चलते आने वाले समय में, आने वाले कुछ ही जनरेशन, जब तक आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तब तक ये जो पूरा खालिस्तान का मैटर है उसके ऊपर अभी अगर क्रैकडाउन नहीं किया गया तो ये और भी बड़ा स्वरूप ले सकता है। और हाँ, एक और रेफरेंडम होने वाला है, खालिस्तान रेफरेंडम नवंबर में न्यूजीलैंड में, उसको भी हम लोग कवर करेंगे जैसे ही उसके भी अपडेट्स आते हैं। तो हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और साथ ही में ये खबर आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।